हमारा सॉलिड वर्क्स में मॉडल बना हुआ है, ठीक है, उसको हमने पावर शेप में लेके कैसे आना है, फाइल में गए इंपोर्ट, जहाँ पे पड़ी हुई है फाइल उसको सेलेक्ट करो, ओपन, ओपन करेंगे तो ये फाइल यहाँ पे खुल जाएगी। फिर कॉम्पोजिट कर्व करके इसकी ये बाहर वाली कर्व जो है, पहले कर्व का एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, कर्व बनाएंगे तभी बात बनेगी ना, जब तक कर्व ही नहीं होएगी तब तक उसको पाथ कैसे पता लगेगा। पिंक वाला जो एरो है इसको सेलेक्ट करना है, फिर इसको सेव कीजिए, तो ये कर्व बन गई। अब यहाँ होम में जाएंगे पावर मिल में, तो ये पावर मिल खुल जाएगा, ये मॉडल यहाँ आ गया। मॉडल आ गया ना, जेड की डायरेक्शन ऊपर है, सही है, और ये जो कर्व है कॉम्पोजिट कर्व, इसको कॉपी करो कंट्रोल सी, और यहाँ पैटर्न में आके कंट्रोल वी, तो ये पैटर्न आ गया। उसके बाद मेरे को टूल पाथ क्रिएट करना है, कर्व में 2D कर्व प्रोफाइल, इसको सेलेक्ट किया, ओके, यहाँ पे पैटर्न में एक नंबर सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ क्लिक करेंगे तो ये बाहर टूल चलाना है या अंदर टूल चलाना है। मैंने कहा जी बाहर टूल चलाना है। वर्क पीस कौन, कोऑर्डिनेट सिस्टम एक नंबर, ब्लॉक कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ब्लॉक बना देगा। तो अब किधर को बढ़ाना, अगर बढ़ाना चाहते हैं उसको 100 कर दो, तो ये इधर को बड़ा हो गया, 130 कर दे, दोनों साइड 130 बढ़ गया। अगर इसको भी 200 कर दूं, ये उधर को भी बढ़ गया, ठीक है, कैलकुलेट किया, इसको 130 किया और इसको 200 कर दिया, उससे बड़ा हो गया, क्योंकि मेरे को इस पाथ के ऊपर ऊपर टूल चलाना है। तो टूल कौन सा, मैं कहा जी एंड मिल, कितने का, मैं कहा जी 6 का एंड मिल। ये जेड इधर को आ रहा है, इसका मतलब हमारा वर्क पीस सही नहीं है, वर्क पीस ये जो नॉर्मल है बाय डिफॉल्ट वो ही रहने दो, ब्लॉक दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब हमारे को इसको करना है 200, इसको करना है 100, 130 कर देते हैं। अब मेरा ब्लॉक भी हो गया, टूल भी हो गया, जेड अब ऊपर से आना चाहिए हमेशा, कर्व प्रोफाइल भी हो गई, कितनी डेप्थ तक जाना है, मैं कह जी -5 आना, कैलकुलेट किए, ये टूल पाथ बन गया, इसको क्लोज कर दो, टूल पाथ मेरा बन चुका है। अब इसको चला के देखना है, तो यहाँ जाएंगे सिमुलेट, इसको ऑन कर दो, ऑफ होता बाय डिफॉल्ट, शेडिंग कैसी चाहिए, मैं कहा जी रोटेटेबल चाहिए ताकि मैं इसको हिला सकूं, और शेडिंग में रेनबो शेप चाहिए, प्ले करेंगे तो ये मेरा पाथ काट के दिखाएगा।
ये ग्राफिक्स कार्ड होगा ना तो फिर ये साथ साथ काट के दिखाएगा, ये तरफ से बड़ा तरफ से बड़ा। जैसे ऊपर से ऊपर पहले इतना तो चले सारा फेस करना, फिर भी करो 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 बना। हाँ इसको फिर एग्जिट कर दो। यस ये बाहर आ गया। अगर हम यहाँ पे गो टू बिगनिंग करके प्ले करेंगे तो ये यहीं पे टूल हमारे को चला देगा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे अब टूल पाथ में एरिया में, जब हम न्यू टूल पाथ क्रिएट करना है इसमें 2D कर्व एरिया क्लियरेंस करना है। ठीक है, पहले इतना काम होगा, इसको साथ साथ करना है, फिर उसके बाद दूसरा ऑपरेशन करेंगे। ठीक है,